वक्त आया कि जब कुफार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माजल्ला शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरह यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला, और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हजरत अली अल मुर्तजा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज आई, हुजूर मैं हाजिर हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे तो कहा, अबू बकर तुम तैयार हो? कहा, हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूं कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूं। और फिर वहां से लेके हुजूर को वहां तक गए और जबले सौर की चोटी पर, वो गार है, अल्लाह अकबर, उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज की, हुजूर जरा मैं गार के अंदर के माहौल का जायजा ले लूं। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के, कमीज उतार के, उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। दो सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक एक सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज दी, जाने आलम अंदर तशरीफ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा! सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा, और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाकया हजरत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुबे सिहा में है, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े। और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लें। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नजर आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाजन नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है, लेकिन लफ्ज सुनिए, ये हजरत उमर की रिवायत है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बह रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी, और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे। आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, मालक या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें तो मुरवजा आदाब की रियायत के साथ जो लफ्ज बोले जाते हैं वो तर्क करने पड़ते हैं। इस माइक में करंट था तो मैं करीब होने लगा, तो आपने मुझे मुतनब्बे करना था, तो मेरे साथ आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपने अगर मुझे ये बताना हो कि इसमें करंट है और अगर आपने मुंह करीब कर लिया तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो मेरे नाम के साथ 20 अलकाब लेंगे आप? नहीं लेंगे। आप जल्दी जल्दी जो है वो मुझे कहेंगे, जनाब यहां करंट है तो मैं यहीं से रुक जाऊंगा, ये तो है कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, और अपने लिए किसी को पुकारें तो फिर भी यही बात है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने जब कहा ना, मालका या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ, तो अब हंगामी सूरत हाल थी ना, तो फौरन कहते लुदेख्तो लुदेख्तो, डसा गया मुझे सांप ने डस लिया, फौरन ये कहते ना। लेकिन हजरत अबू बकर तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, कायनात में आपने ऐसा आशिक नहीं देखा होगा, सांप डंग पे डंग लगा रहा है और टांग शल हो गई है, जहर सरायत कर गया है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, लुदेख्तो फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पे नछावर, मुझे सांप ने डस लिया है। तो इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अदब का करीना नहीं छोड़ा। जब मेराज का वाकया हुआ तो ये बहुत अजीब और गरीब वाकया था, तो आका करीम ने जब ऐलान किया के बताया कि अल्लाह ने यूं मुझे खलवतों में बुलाया, तो कुरैश ने समझा कि इससे बढ़कर और मौका क्या मिलेगा प्रापे गंडे का। तो कहा, अबू बकर कोई नई बात सुनी है? कहा, तुम सुना दो।
कहा अगर कोई कहे कि रात की मुख्तसर तन्हाई में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा हूं, फिर वहां से वापस भी आ गया हूं, तो बात मानने में आती है? आपने बर्जस्ता कहा, बिल्कुल मानने में नहीं आती। इतने मुख्तसर वक्त में मस्जिद अक्सा जाए और फिर पलट के भी आ जाए, कम से कम 2 माह चाहिए। 1 महीना जाते हुए लगता है, 1 महीना आते हुए लगता है, कुछ छू के भी आए तो 2 माह चाहिए। तो समझा कि लोहा खूब गर्म हो गया, अब चोट टिकाने पे बैठेगी। कहा मानने में नहीं ना आती? कहा बिल्कुल नहीं मानने में आती। तो कहा फिर तेरा यार ही तो कहता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, वो वाकई कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का कहना है। तो हजरत अबू बकर बोले, लयन कालहु फकद सदका फउसद्दिकु, अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, मैं तस्दीक करता हूं। कहा अभी तो तुम कह रहे थे कोई कहे तो मानने में नहीं आता। कहा कोई कहे तो अब भी नहीं मानूंगा, वो इससे भी अजीब कहे तो मान लूंगा। अल्लाह अकबर। फबिज़ालिका सुम्मिया सिद्दीक, उलमा ने लिखा ये वो वजह थी जिसकी वजह से आपको सिद्दीक पुकारा जाने लगा, मेराज की तस्दीक की और सिद्दीक कहलाए। सिद्दीक तस्दीक से भी है, और सारी जिंदगी आपने झूठ जुबान पे नहीं आने दिया। आपकी तबा में जो सदाकत रची बसी थी, बल्कि एक मुश्किल वक्त आया आप पर, वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ और हिजरत करके हुजूर मक्का से मदीना की तरफ आज़म सफ़र हुए, तो हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। मक्कतुल मुकर्रमा से जो मदीनतुल मुनव्वरा है वो शमाल की जानब है, और गारे सौर मक्कतुल मुकर्रमा से जनूब की समत है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़र करना था मदीना शरीफ का, तो शमाल की समत नहीं गए, बल्कि वहाँ से सफ़र जनूब की जानब किया, और फिर वहाँ से हुजूर जो है वो 3 दिन गुजारने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की जानब रवाना हुए। ये सारे इधर ढूंढ ढूंढते थकते रहे और हुजूर वहाँ आराम करते रहे, और 3 दिन के बाद जब ढूंढ ढूंढ के इनको कुछ ना मिला तो आका करीम वहाँ से निकले और सीधा मदीनतुल मुनव्वरा की जानब आज़म सफ़र हुए। इन्होंने 100 सुर्ख ऊँट हुजूर की गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा हुआ था, तो मुख्तलिफ कबाइल के लोग हुजूर को ढूंढने के लिए निकले थे कि बहुत बड़ा इनाम है, 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे। ऐसे लोग भी तलाश कर रहे थे जो हुजूर को जानते नहीं थे। तो रास्ते के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक से कोई शख्स मिला और उसे शक पड़ा कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूं कि वो कहीं यही ना हो। तो उसने अबू बकर सिद्दीक से पूछा, आपका नाम? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, अबू बकर हूं। तो उसने फिर हुजूर का पूछा, अब हुजूर को ढूंढ रहे हैं, आज इम्तिहान आया ना, सिद्दीक अकबर की सदाकत का इम्तिहान आ गया और इश्क का इम्तिहान आ गया। अगर कहें ये हुजूर हैं तो इश्क गवारा नहीं करता कि ये गिरफ्तारी अमल में आए, और अगर कहें कि ये हुजूर नहीं हैं तो अबू बकर सिद्दीक कैसे रहेंगे? आजकल तो वो सड़कें बन गई हैं और साइन लगे हुए हैं, आप अकेले यहां से निकलें तो जहां जाना चाहें खुद जा सकते हैं। उस वक्त तो पहाड़ी रास्ते होते थे, या तो लोग काफलों के साथ चलते थे, और अगर किसी को हंगामी तौर पे अकेले जाना पड़ता तो वो गाइड साथ लेता जो रास्ते बताता, उसको अरबी में हादी कहते हैं, हादी रहनुमा गाइड जो रास्ता बताता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से उसने पूछा, ये कौन है आपके साथ? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, हाजा हादी यहदीनी इला सिरातिल मुस्तकीम, ये मेरा हादी है जो मुझे सीधी राह पे चला रहा है। तो वो समझा ये वो वाला हादी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक दिलो कल्बो निगाह का